खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के निवाड़ी की, जहां पर करीब 100 घंटे बाद बोरवेल में गिरे बच्चे प्रहलाद को शनिवार देर रात निकाल तो लिया गया, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गया है। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रहलाद को बोरवेल से जिंदा नहीं बचाया जा सका है। मासूम प्रहलाद को जब बोरवेल से निकाला गया, उसके तुरंत बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि प्रहलाद की पहले ही मौत हो चुकी थी, उसे मृत अवस्था में ही अस्पताल लेकर आया गया था। उसकी मौत दम घुटने की वजह से बताई जा रही है। इसके अलावा पानी के कारण भी उसकी बॉडी पर असर पड़ा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर रात को मौत हुई है और उसका क्या कुछ कारण है या समय एग्जैक्ट क्या है। शनिवार को प्रहलाद को निकालने के लिए जो तिरछी सुरंग बनाई जा रही थी, जिसका डायरेक्शन भटक जाने की वजह से सुरंग बोर तक नहीं पहुंच पाई थी। देर रात करीब 11 बजे एनडीआरएफ की टीम ने खुदाई रोक दी थी और उसके बाद देर रात झांसी से एक्सपोर्ट की टीम यहां पर पहुंची और मैग्नेटिक अलाइनमेंट के जरिए सुरंग की दिशा तय की। इसके बाद दोबारा खुदाई शुरू की गई और रात 3 बजे बच्चे को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि निवाड़ी जिले के सेतपुरा गांव में हरे किशन का 4 साल का बेटा प्रहलाद बुधवार की सुबह खेत में खोदे गए 200 फुट गहरे बोरवेल में जा गिरा था, जिसके बाद से बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चा जिंदगी की जंग हार गया। तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी से यह खबर और दुखद खबर पर प्रहलाद की मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया, उन्होंने लिखा कि मुझे अत्यंत दुख है कि निवाड़ी के सेतपुरा गांव में अपने खेत के बोरवेल में गिरे मासूम प्रहलाद को 90 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बचाया जा सका। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य विशेषज्ञों की टीम ने दिन रात मेहनत की, लेकिन सुबह 3 बजे बेटे का मृत शरीर निकला। अपने दूसरे ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मैं और पूरा प्रदेश प्रहलाद के परिवार के साथ खड़ा है। मासूम बेटे की आत्मा को शांति मिले ऐसी प्रार्थना करता हूं। साथ ही सरकार द्वारा प्रहलाद के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, उनके खेत में एक नया बोरवेल भी बनाया जाएगा। तौसिफ हमारे साथ हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तौसिफ, काफी दुखद यह खबर, जहां पर निवाड़ी में 4 साल का मासूम जिंदगी की जंग हार गया। जी बिल्कुल रोमिता, मैं बता दूं आपको कि बुधवार से जो है बोरवेल के प्रति मासूम जिंदगी के लिए को बचाने के लिए कई तमाम जो है कवायद चल रही थी, सारी चीजें जो की जा रही थी सेना की तरफ से, पूरे प्रशासनिक अमला जो है मौके पर वहां मौजूद था। मैं बता दूं आपको, बुधवार को जो है मासूम प्रहलाद कुशवाहा जो है अपने ही खेत में बने हुए बोरवेल में खेलते खेलते गिर गया था, जिसकी जानकारी जैसे ही उसके परिजनों को हुई, वहां उन्होंने उसको ढूंढना की कोशिश की, लेकिन जब पता लगा कि बोरवेल से बच्चे की आवाज आ रही है, उसके बाद लास्ट के बाद फिर उसके बाद उसकी आवाज आना बंद हो गई थी, जिससे पूरी जो है वहां पूरा अमला जो पहुंच चुका था, सेना, एनडीआरएफ बुला ली गई थी, पूरी टीम बुला ली गई थी, पूरी रेस्क्यू टीम जो है लगातार, मैं बता दूं आपको, 92 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। आज सुबह तड़के सुबह 3 बजे जो है बगल से एक सुरंग बना के बच्चे को निकाला गया, जहां उसको आनंद फानंद में डॉक्टरों ने उसको स्वास्थ्य पूरा उसको की जांच की और उसको जब अस्पताल लेके गए तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। जी तो सब, क्या यहाँ पर एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि खुदाई में जो गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से समय और लग गया, टनल जो है वो तिरछा था, पानी का फ्लो भी बहुत ज्यादा था, तो क्या वहाँ पर जो थोड़ी सी चूक हुई उसकी वजह से यहाँ पर रेस्क्यू पर असर पड़ा और ज्यादा समय होने के बाद दम घुटने की वजह से, अब पानी की वजह से बच्चे की जान चली गई?
जी बिल्कुल, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा कि बच्चे की आखिर मौत किस समय हुई, किस वक्त हुई और किस कारण हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा था लगातार, उसमें कई सारी जो है दिक्कतों का, जो रेस्क्यू टीम थी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं टनल तिरछा हो रहा था, कहीं कहीं कुछ हो रहा था, लगातार जो है सुरंग बनाई जा रही थी, खुदाई की जा रही थी, जिसकी वजह से जो है इतना टाइम लग गया, जो है 92 घंटे तक ये रेस्क्यू चला। अगर इसको पहले अगर हो सकता, अगर थोड़ा समय कम रहता या कम समय रहते हुए प्रहलाद को निकाल लिया था तो शायद उसकी जान बच सकती थी। लेकिन आखिर प्रहलाद की मासूम की मौत कब हुई और किस कारण हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी से दुखद खबर, जहां पर 4 साल के बच्चे की जान चली गई है। बोरवेल में बच्चा गिरा था, लगातार 90 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन बावजूद इसके बच्चे की जान नहीं बच सकी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।